ईशा मैं मेरा एडमिशन हो गया। गिर जाऊंगी। आपने मुझे जिंदगी में आत्मसम्मान के साथ खड़े होना सिखाया, आपको गिरने नहीं दूंगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है सभी। मैम मैं आपको बता नहीं सकती मेरा ऐसे क्या क्या करने का मन कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जोर से गाना गाऊं, नाचूं, पूरे कॉलेज में चिल्ला चिल्ला के बोल दूं कि मेरा एडमिशन हो गया है। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं, ऐसे ही खुश हूं। आपने मैम का सुपर हीरो वाली एंट्री ली है। मुझे लगा ही नहीं था कि आप खुद मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट रामटेक से पुणे लेकर आएंगी। वो एक अंदर से फीलिंग आ गई सभी कि शायद ये लोग यहाँ पर तेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि इतने जल्दी ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवाया कैसे आपने? That thanks to your Ashwini जी। मतलब तेरे वीनू दादा ने प्रिंसिपल से कह दिया था कि तेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो किसी को ना दे, तुझे भी नहीं। और फिर जब हमने घर जाने की इतनी जल्दी हाँ वैसे भी मेरा घर जाने का टाइम हो गया। आधा घंटा भी और बाकी है। अच्छा काफी मुश्किल में फंस गई है ना। अगर रुक गई तो सभी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर साइन करना पड़ेगा। साइन कर दिया तो सभी के घर वालों से परेशानी होगी, नहीं साइन किया तो मैं मैनेजमेंट में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, उसका डर। बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है ना। देखिए ईशा मैम मुझे देर हो रही है, मैं कल बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है? देर तो मुझे भी हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आऊंगी सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने। साइन किया आपने? नहीं। देखिए मैम मैं देखिए बोर्ड मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि जब तक सभी के घर वालों से बात नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है बोर्ड ने। एक मिनट मिसेस चव्हाण। नमस्कार। ये मिसेस अश्विनी चव्हाण सभी की लीगल गार्डियन, उसकी आजी सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आई। हो ना, मैं कुमारी सभी विराट चव्हाण की ओर से आई हूँ उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने। अब तो सभी की लीगल गार्डियन भी आ गई, आई एम श्योर अब तो साइन करेंगी आप। बड़ी आजी को गलती से भी पता चल गया ना कि आजी ने मेरी मदद की है, तांडव शुरू हो जाएगा। तुझे पता है सभी, तेरी अश्विनी आजी तेरे लिए किसी से भी टकरा सकती है। वो तो प्रिंसिपल ने अच्छे से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया, वरना तेरी अश्विनी आजी तो उन्हें भी धोबी पछाड़ देती। बाड़ा तुझे बस आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए सभी तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना। इन लोगों ने तुझे बेमन एडमिशन दिया है, जाहिर सी बात है कि तेरी राह में ये लोग मुश्किलें खड़ी करेंगे, पर तुझे पीछे नहीं मुड़ना है बाड़ा। अपने आप को मजबूत रखना, करना ना सभी। सही और विराट सवान की बेटी हूँ मैं। आप जानते हैं मेरी आई को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और मेरे बाबा ने हर कदम पर उनका साथ दिया, तो मेरी आई ने कभी हार ही नहीं मानी। बहुत बहादुर थी वो भी, मेरे अंदर भी मेरी आई का ही खून, हार नहीं मानूंगी और गलत के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। आई प्रॉमिस आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ